हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तकरीबन, लेकिन कराची में थोड़ा लेट आती हैं, लेकिन फिर भी चले। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। तो चिकन कॉर्न सूप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? थोड़ी सी गाजर, तकरीबन एक चम्मच ले लीजिएगा। थोड़ी सी शिमला मिर्च, जिसे मैंने बहुत फाइन छोटे छोटे चॉप कर लिया है, और एक चम्मच बंद गोभी। ये सब चीज़ों को मैं पानी में अभी डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अच्छा, मैंने हाफ चिकन ली थी, उसे पानी में डाला, उसमें नमक डाला, उसको मैंने बॉयल कर लिया। फिर मैंने उसके ऐसे रेशे से बना दिया, और ये यखनी रखी हुई है जिसमें मैंने इसको बॉयल किया था। ठीक है, ये कॉर्न है, कॉर्न को भी थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छा, ये एक अंडा है, अंडा भी इसमें जाएगा। ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर भी इसमें जाएगा। और ये है चिकन पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत थोड़ा सा डालिएगा फ्लेवर के लिए। एक टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर जाएगा, और नमक हसबे ज़रूरत जाएगा। बस ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो चले आए बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। जी देखिए, मैंने पानी बॉइल करने रखा, अब इसमें मैं ये गाजर डाल दूँगी, और ये बंद गोभी, और ये शिमला मिर्च। अभी देख लेंगे, अगर और मजीद ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। अच्छा, जब हम सूप बनाएं तो उसमें जो है ना, स्टील का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ ये लकड़ी का चम्मच यूज़ किया जाएगा। वरना वो जो है ना, हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो क्या कहते हैं, थिक नहीं होगा, और फिर बहुत जल्दी वो लिक्विड हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे। हाँ, तो जो हमारी यखनी थी, अब वो इसमें हम डाल देंगे। हमने इसमें ना गाजर और वो बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दिया था ताकि थोड़ा सा गल जाए। अब हमने इसमें यखनी ऐड कर दी है, अब हम इसमें कॉर्न्स भी डाल देंगे सारे, ना जितने कॉर्न्स थे वो भी डाल देंगे, क्योंकि कॉर्न्स को हमने पहले से भी पका लिया था तो इतना नए पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है इसमें चिकन डाल देंगे, और फिर इसको पकने देंगे। इसमें चिकन भी बॉयल है। हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसमें जो है चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक, ये सब चीजें ऐड कर दी जाएंगी। अब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे ना, उस थोड़ा थिक हो जाएगा तो फिर उसमें अंडा फेंट के डाल देंगे। ये कॉर्नफ्लावर है, इसको मैंने पानी डाल के लिक्विड बना लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, थिक हो गया है। अब हम इस उसमें जो है ना अंडे को फेंटेंगे। फेंटने के बाद फिर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा, जिस तरह हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, इसी तरह हम इसमें अंडा डालते जाएंगे और चम्मच को तेज तेज हिलाते जाएंगे। ये देखिए, हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।